क्या कुछ अभी तक अपडेट है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं, इस पर हम जानकारी लेंगे। उदय जी, क्या स्थिति है अभी, कितने लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है? अभी आधे घंटे पहले वापस रेस्क्यू शुरू हो गया है, क्योंकि पूरा अंधेरा था इसलिए रेस्क्यू को दिक्कत आ गई थी। अभी तक 65 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उसमें से 4 डेथ है, और एक जो रेस्क्यू करने के लिए आया था बंदा, उसको थोड़ा वो चढ़न थी, चढ़ते वक्त बीपी लो गया और उसकी डेथ हो गई। टोटल 5 लोगों की डेथ हुई है, 4 लोगों की इस घटना में और एक रेस्क्यू करने वाले की। ये रेस्क्यू करने वाले शख्स कौन है, किसी टीम से? मुंबई के टीम में थे और वो जब चढ़न चढ़ रहे थे तब उनको कुछ बीपी का प्रॉब्लम हो गया और सरकारी एजेंसी से थे? एनजीओ से थे। अच्छा, एनजीओ से थे। इस घटना के बारे में बताइए सर, क्या कितने बजे घटना हुई थी? कितने रात को 11 बजे घटना घड़ी और पूरा अंधेरा था, इसमें रेस्क्यू का भी प्रॉब्लम आया था, बारिश बहुत चालू थी, अभी 1 घंटे पहले पूरा अंधेरा था इसलिए हमने वो रेस्क्यू बंद। ग्लुकोज मुळे मी भयंकर त्रस्त होतो, जिना चढायचा आम्ही करत नव्हतो। अमृत नोनी डी प्लस घेतल्यापासून ग्लुकोज पूर्ण नॉर्मल आली आहे, उत्साह वाढलाय। आरोग्याचा भरोसा अमृत नोनी डी प्लस। आता अभी आधे घंटे पहले रेस्क्यू वापस शुरू हो गया है, अभी सीएम साहब भी आ रहे हैं। ये जानना चाहेंगे घर कितने थे सर, किस घर के बारे में? क्या घर 48 थे, अभी प्राइमरी फेस पे ऐसा दिख रहा है कि 20-22 घर दबे हुए हैं। 20-22 घर अभी भी दबे। एनडीआरएफ की कुल और टीमों को बुलाया गया? नहीं, एनडीआरएफ की सफिशिएंट टीम ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। उदय सामंत जी हैं, जिनके मुताबिक 4 लोगों की जान अभी तक गई है। एक ऐसे शख्स थे जो बचाव के लिए यहाँ पहुँचे थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है, चूँकि बचाव के लिए जब वो जा रहे थे उसी दौरान उनकी तबीयत नासाज हुई, हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है। अभी भी कई लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, कई घर इस पूरी जो है लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं और युद्ध स्तर पर इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, रायगढ़। आई भवानी का गजर म्हणजे जी 24 तास।